धारा 370 पर दिग्विजय सिंह के बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पलटवार किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से क्लब हाउस में पाकिस्तान के पत्रकारों के बीच में धारा 370 के बारे में जो टिप्पणी की है वह देशद्रोही की श्रेणी में आता है। मंत्री सारंग ने कहा कि इस तरह का बयान देकर दिग्विजय सिंह ने देश के साथ गद्दारी की है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सारंग ने आगे कहा कि मैं दिग्विजय सिंह को कहना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। दिग्विजय सिंह जैसे कितने ही नेता जन्म ले लें, कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं लगाई जाएगी। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को अल्टीमेटम देता हूं, यदि इस देश को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से ये बयान देकर क्लब हाउस में जिस प्रकार से पाकिस्तान के पत्रकारों के साथ बैठकर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए हैं, ये इस देश के साथ गद्दारी है और उनके खिलाफ केस जरूर चलना चाहिए।